80 और 90 के दशक की फेमस एक्ट्रेस श्रीदेवी ने इस साल फिल्म मॉम से एक बार फिर बॉलीवुड में दमदार कहानी के साथ वापसी की है। इस फिल्म में उन्होंने एक माँ और टीचर का किरदार निभाया है। श्रीदेवी बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया है। जितेंद्र की फिल्म हिम्मत वाला से बॉलीवुड में पहचान बनाने वाली श्रीदेवी अपने जमाने की पहली एक्ट्रेस हैं जिन्हें सबसे पहले बतौर फीस 1 करोड़ रुपए मिले थे। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि बॉलीवुड के दबंग खान को श्रीदेवी से डर लगता है? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, चलिए आज हम बताते हैं आखिर क्या है माजरा। दरअसल अपने जमाने में श्रीदेवी के लिए कहा जाता था कि यह एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनके साथ काम करने वाले एक्टर्स को लोग कम देखते हैं। श्रीदेवी को लेकर ऐसी खबर है कि जब श्रीदेवी किसी भी फिल्म में काम करती थी तो उसमें हीरो की वैल्यू न के बराबर होती थी, इस वजह से हीरो उनके साथ काम करने से डरते थे। बॉलीवुड में 80 और 90 के दशक में श्रीदेवी का जादू ऐसा था कि न सिर्फ हीरोइन बल्कि हीरो भी इनसिक्योर फील करते थे। लेकिन हाल ही में इस बात को सलमान खान ने भी कबूल किया है। हाल ही में एक अवार्ड शो में मंच पर एंकर मनीष पॉल ने सलमान खान को श्रीदेवी को स्टेज पर बुलाने के लिए कहा तो सलमान ने श्रीदेवी को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि आमिर खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और मैंने कई फिल्मों में काम किया है। आमिर साल में एक मूवी करते हैं, उन्होंने करीब 50 फिल्मों में काम किया है। शाहरुख ने करीब 100 फिल्में की हैं, हम सब ने लगभग 250 से 270 फिल्में की हैं। लेकिन एक ऐसी लीजेंड, टैलेंटेड, डेडिकेटेड, हार्डवर्किंग और प्रोफेशनल एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिन्होंने बतौर और चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मी दुनिया में कदम रखा था, वो और कोई नहीं श्रीदेवी हैं। श्रीदेवी ने भी जवाब में सलमान का धन्यवाद करते हुए उनकी माँ का धन्यवाद किया जिन्होंने उनकी काफी मदद की थी। वहीं सलमान ने इंटरव्यू में बताया कि जिस फिल्म में श्रीदेवी होती थी तो दर्शक दूसरे एक्टर को इग्नोर करते थे, उनके दिमाग में केवल श्रीदेवी ही रहती थी। याद दिला दें कि सलमान ने 90 के दशक में श्रीदेवी के साथ चांद का टुकड़ा और चंद्रमुखी फिल्म में काम किया था।